इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की बात करता है और कहता है कि संविधान के आरंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास यानी कि डोमेसिल होगा भारत का नागरिक होगा। यदि वह भारत में जन्मा हो अथवा उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो अथवा जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का ऑर्डिनरी सिटीजन यानी कि साधारण निवासी रहा हो। अधिवास नागरिकता प्राप्त करने के लिए मैंडेटरी है किंतु कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसीलिए यहाँ पे हम कोर्ट्स के द्वारा दी गई डेफिनेशन को मानेंगे। नॉर्मली डोमिसाइल का मतलब वो घर या निवास स्थान है जहाँ व्यक्ति का इंटेंशन परमानेंटली और अनिश्चित काल तक के लिए रहने का हो। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 5 के अंडर एक अधिवास को मान्यता है, वो है भारत का अधिवास। यहाँ पे बार बार अधिवास शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो चलिए इसका मतलब समझ ही लेते हैं। मानव जिन स्थानों को अपने आश्रय हेतु चुनकर जहाँ घर और मकान बनाता है वहाँ उसका आवास या अधिवास कहलाता है। भारत में राज्यों के अधिवास को मान्यता नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति किसी राज्य का स्थायी निवासी है और दूसरे राज्य में स्थायी या अस्थायी रूप से निवास के आश्रय के लिए जाता है तो उसका अधिवास नहीं बदलता है, वह नया अधिवास अर्जित नहीं करता है। इंडिया में केवल एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस राम नारायण के केस में मुख्य न्यायाधीश श्री महाजन जी के द्वारा कहा गया है कि वह स्थान किसी व्यक्ति के लिए अधिवास स्थान कहलाता है जहां वो स्थायी रूप से निवास कर रहा हो और वर्तमान समय में उसे छोड़ने का कोई इरादा ना हो। तो हमने यहाँ पे दो बातें देखी, विशेष प्रकार का निवास, विशेष प्रकार का इंटेंशन। रेजिडेंस के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो, परंतु उसे परमानेंट जरूर होना चाहिए, ना कि टेम्परेरी। मतलब नागरिक उस स्थान का स्थायी रहने वाला हो। जहां तक इंटेंशन की बात है तो वर्तमान समय में हमेशा देश में निवास करने का होना चाहिए। केवल किसी स्थान पर रहने से वह उस व्यक्ति का अधिवास नहीं बन जाता है, बल्कि उस व्यक्ति का इंटेंशन उसी निवास को अपना परमानेंट निवास बनाने का होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो यदि कोई व्यक्ति भले ही भारत में कुछ समय से रह रहा हो पर अगर उसका इंटेंशन भारत में परमानेंट रेजिडेंस का नहीं है तो वह उसका अधिवास नहीं कहलाएगा। अधिवास दो प्रकार के होते हैं, मूल अधिवास या ओरिजिनल डोमिसाइल, अर्जित अधिवास या एक्वायर्ड डोमिसाइल। लॉ प्रत्येक व्यक्ति के पैदा होने पर अधिवास प्रदान करता है जिसे मूल अधिवास कहते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता किसी देश में अधिवास रखते हो तो वह देश उसका भी अधिवास होगा। मूल अधिवास लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया राइट है और जब तक कोई व्यक्ति स्वयं उसका परित्याग करके नया अधिवास ना ग्रहण कर ले तब तक वो इससे जुड़ा रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नागरिकता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति के पास निजी घर हो, किंतु अधिवास होना जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ जन्म के देश को छोड़कर जाता है कि वहां फिर वापस नहीं आएगा, फिर भी जन्म का अधिवास उससे जुड़ा हुआ रहता है जब तक कि वह दूसरा अधिवास ना हासिल कर ले। थोड़े समय के लिए किसी दूसरे देश में निवास मूल अधिवास को प्रभावित नहीं करता, प्रोवाइडेड जन्म से देश में रहने का इरादा हो। मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में पिटिशनर 1908 में इंडिया आया था। 1946 में वह हज करने इराक चला गया। इराक से लौटने के बाद उसका नाम विदेशी के रूप में दर्ज था और अनेक बार सरकार उसके भारत में रहने की अवधि को बढ़ाती रही और अंत में 1957 में उसकी अर्जी अस्वीकृत कर दी गई। उसने आर्टिकल 5 के अंतर्गत नागरिक माने जाने का दावा किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि भले ही वो ऑर्डिनरली भारत में रह रहा हो लेकिन उसने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं की थी। उसकी गतिविधियों से स्पष्ट था कि उसका इंटेंशन भारत में स्थायी रूप से रहने का नहीं था। बार बार समय बढ़ाने का निवेदन करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। भले ही उसने इराक से लौटने के बाद भारत में नौकरी कर ली थी, यह प्रमाणित नहीं करता कि उसके मस्तिष्क में भारत में स्थायी रूप से रहने का आशय उत्पन्न हो गया। न्यायालय के अनुसार अर्जित अधिवास तब तक व्यक्ति से संबंध रखता है जब तक कि मूल अधिवास को पुनः न प्राप्त कर लिया जाए या नया अधिवास न अर्जित कर लिया जाए। माइनर गर्ल्स और अनमैरिड वुमेन्स स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होती, अतः वो अपने अधिवास में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होती। माइनर का अधिवास पिता का अधिवास होता है और पत्नी अपने पति के अधिवास का अनुसरण करती है। ड्राफ्ट आर्टिकल 5 नागरिकता के मूल सिद्धांतों को रखता है। असेंबली में इस आर्टिकल को 10, 11 और 12 अगस्त 1949 को डिस्कस किया गया था। कुछ मेंबर्स का कहना था कि सिटीजनशिप के रेसिडेंसी प्रोविजंस को रिलीजन के बेसिस पर इंक्लूड किया जाए। उनका कहना था कि कोई भी हिंदू और सिख जो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ
इज रेजिडेंस इंडियन सिटीजनशिप का अधिकारी होना चाहिए, हालांकि इसका खंडन किया गया और धर्म और नागरिकता को जोड़ने से इनकार किया गया। कुछ मेंबर्स डुअल सिटीजनशिप को भी रिकमेंडेट करवाना चाहते थे। वहीं एक मेंबर का कहना था कि इंडियन सिटीजनशिप बहुत आसान बना दी गई है, तो इसके रिस्पांस में उन्हें याद दिलाया गया कि ड्राफ्ट आर्टिकल अमेरिकन लॉ ऑन सिटीजनशिप से भी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सभी अमेंडमेंट्स को अस्वीकृत कर दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 कहता है कि आर्टिकल 5 के प्रोविजंस के बावजूद जो भी व्यक्ति इंडियन टेरिटरी में माइग्रेट करता है पाकिस्तान की टेरिटरी से कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट पर भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म उस भारत में हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है, और अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करके भारत आया है तो अपने माइग्रेशन की डेट से वह भारत का आम निवासी माना जाएगा। अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद माइग्रेट करके आता है और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में अपॉइंट किए गए ऑफिसर को कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट के पहले लिए गए आवेदन पर इंडियन सिटीजन के फॉर्म में रजिस्टर्ड है उन नियमों का पालन करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है, बशर्ते कोई भी व्यक्ति तब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि वो ऑफिसर को ये साबित ना कर दे कि एप्लीकेशन देने की डेट से 6 महीने पहले से ही भारत में रह रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये आर्टिकल उनके लिए है जो भी लोग अनडिवाइडेड इंडिया के पाकिस्तान वाले हिस्से से डिवाइडेड इंडिया की टेरिटरी में माइग्रेट करके आए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया है वो फॉलोइंग कंडीशंस में इंडियन सिटीजन माना जाएगा। वह व्यक्ति या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स उस इंडिया में बॉर्न हुए हों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली, जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गया है वो इंडिया का ऑर्डिनरी सिटीजन मान लिया जाएगा, और दूसरी की अगर कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद इंडिया आता है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में अपॉइंट किए गए ऑफिसर के सामने नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, और ये आवेदन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले दिया होना चाहिए, बशर्ते उसको रजिस्टर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि एप्लीकेशन देने की डेट के 6 महीने पहले से वो इंडियन टेरिटरी में रह रहा हो। ड्राफ्ट आर्टिकल 5 में यानी कि आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 10th, 11th, 12th अगस्त 1949 को डिस्कस हुआ था। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेशन को इसलिए फैसिलिटेट कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान में सिविल डिस्टर्बेंस था, यानी कि दंगे हो रहे थे, इसीलिए एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि हमें फर्स्ट क्लॉज में ये भी ऐड कर देना चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस और द फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस। हालांकि इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 कहता है कि आर्टिकल 5 और 6 की किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में माइग्रेट कर जाता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा, बशर्ते इस आर्टिकल में दी हुई बातें उस व्यक्ति पर अप्लीकेबल नहीं होंगी जो पाकिस्तान में माइग्रेट करने के बाद वापस भारत लौट आए। रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के परमिट पर जो कि किसी भी कानून के अधिकार के तहत दी गई हो और उस व्यक्ति को आर्टिकल 6 के क्लॉज बी के सब क्लॉज 2 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा, यानी कि जो नियम और शर्तें पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए हुए माइग्रेंट्स पर लागू होंगी वही शर्तें इस पर भी लागू होंगी। यहाँ पे ये बात स्पष्ट है कि आर्टिकल 7 आर्टिकल 5 एंड 6 को ओवरराइड कर रहा है। आर्टिकल 7 के अंडर दी गई डेट के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता चाहे आर्टिकल 5 के अंडर हो या आर्टिकल 6 के अंडर माइग्रेशन के द्वारा प्राप्त की गई हो खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 6 एंड 7 दोनों में माइग्रेशन वर्ड का यूज किया गया है पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इसीलिए हम जजमेंट्स की समीक्षा करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने तन्नो देवी वर्सेस मंगल सेन के केस में उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइग्रेशन शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से जाना है। कुलाथिर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तन्नो देवी के केस में दिए निर्णय को उलट दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 6 एंड 7 में यूज्ड माइग्रेशन वर्ड का मीनिंग उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन के संदर्भ में लगाना चाहिए। उस संदर्भ में माइग्रेशन वर्ड का मीनिंग
एक स्थान से दूसरे स्थान स्वेच्छापूर्वक जाना है। कोर्ट के अनुसार इस वर्ड का यूज वाइडर मीनिंग के लिए किया गया है, जिसका की अर्थ है एक देश से दूसरे देश स्वेच्छा से जाना, बशर्ते ऐसा किसी विशेष उद्देश्य और सीमित अवधि के लिए ना किया गया हो। नागरिकता तभी समाप्त होती है जब माइग्रेशन स्वेच्छा से होता है, ना कि टेम्परेरी विजिट के इंटेंशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में माइग्रेशन का अर्थ भारत के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग कर पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा को अपनाना है। कुल मिलाकर जो लोग स्वेच्छा से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, वहाँ के नागरिक बन गए, वे भारत नहीं आ सकते, भले ही वो बहुत लंबे समय से भारत में रह रहे हों और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पर डिबेट हुई थी और कुछ मेंबर्स को ये आर्टिकल अप्रिय लगा। उनका कहना था कि जो व्यक्ति इंडिया की पाकिस्तान से माइग्रेट कर गया, उसने अपनी लॉयल्टी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी है और परमिट सिस्टम उनके लिए इंडियन सिटीजनशिप पाना आसान बना रहा है। हालांकि इसके रिस्पांस में कहा गया कि परमिट भावुकता से नहीं इश्यू किया जा रहा है। एक मेंबर का कहना था कि जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान चला गया है तो उसकी इंडिया में प्रॉपर्टी इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई है, और अगर वह व्यक्ति वापस भारत आता है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। इसके रिस्पांस में कहा गया कि किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लॉ में सिटीजनशिप और प्रॉपर्टी को कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे किसी भी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 कहता है कि आर्टिकल 5 भी किसी भी बात की होते हुए कोई भी व्यक्ति या उसकी माता पिता में से या उसकी ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी उस भारत में जन्मा हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है और भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर ले तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर लिया गया हो, वह रजिस्ट्रेशन जिस देश में वह रह रहा है वहाँ के इंडियन डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया गया हो, कुछ डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव के सामने एप्लीकेशन प्रस्तुत किया गया हो और यह एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले या बाद में दिया गया हो और आवेदक पत्र इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए मैनर में दिया गया हो। यहाँ पे ये सभी शर्तें फॉलो करनी होती है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो इस कंडीशन में आर्टिकल 8 आर्टिकल 5 के प्रोविजंस को ओवरराइड कर देता है और कहता है कि भारत में जन्मे किंतु विदेश में रहने वाले भारतीय भारत के नागरिक माने जाएंगे, पर कुछ नियम और शब्दों के अनुसार। यहाँ पे या तो उस व्यक्ति का या उसके माता पिता में से किसी का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है और वह विदेश में रह रहा है तो अगर वह आगे लिखी शर्तों को पूरा कर ले तो भारत का नागरिक माना जाएगा। यहाँ पर जन्म के वक्त जिस भारत की बात की गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है। यहाँ पे पहली शर्त है कि वह व्यक्ति उस देश में उपस्थित भारतीय डिप्लोमेट या काउंसलर के द्वारा इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर लिया गया हो और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन उस डिप्लोमेट के साथ में प्रेजेंट किया गया हो इंडियन गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अनुसार। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के वक्त मिलने वाली नागरिकता वो ही नहीं बल्कि उसके बाद भी विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स की बात करें तो एक मेंबर का कहना था कि ये आर्टिकल इन लोगों को अनफेयर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है जो इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान से आए हुए पैड्रेट्स को वही संभावित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि इसके ड्राफ्ट को बिना किसी अमेंडमेंट के पास कर दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 कहता है कि कोई व्यक्ति आर्टिकल 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा या आर्टिकल 6 या आर्टिकल 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी है, बेसिकली ये आर्टिकल का कहना है कि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप को अप्रूव नहीं करता, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन किए गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया की नागरिकता होते हुए भी किसी और देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, जो उसे आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 या आर्टिकल 8 के प्रोविजंस के आधार पर मिली थी। आर्टिकल 9 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 10th, 11th एंड 12th अगस्त को डिस्कस किया गया था। ये शुरुआती दौर में एक सेपरेट आर्टिकल नहीं था बल्कि ड्राफ्ट आर्टिकल 5 का प्रोविजो था।
डिस्कशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि ड्यूअल सिटीजनशिप पे लगी रोक केवल आर्टिकल 5 तक सीमित न रख के इसे जनरल लॉ के रूप में लागू किया जाए। उसी के बाद ये आर्टिकल 6 एंड 8 के आधार पर मिली नागरिकता पे लागू हो गया। मेंबर ने ड्यूअल सिटीजनशिप के फेवर में आर्गू किया पर वोटिंग ड्यूअल सिटीजनशिप के फेवर में नहीं निकली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 क्लियरली कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे कि पार्ट 2 के फॉरगोइंग प्रोविजंस के आधार पर भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका ये अधिकार संसद द्वारा बनाई गई लॉ के अधीन होगा। मींस देयर सिटीजनशिप विल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इसी प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करके संसद किसी व्यक्ति को पहले के प्रोविजंस के अनुसार मिली नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है, परंतु जब तक संसद ऐसा कोई लॉ पास नहीं करती प्रत्येक व्यक्ति जो कि फॉरगोइंग प्रोविजंस के अनुसार भारत का नागरिक है या समझा जाता है वो भारत का नागरिक बना रहेगा। इस प्रकार संसद किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है बशर्ते इस पर्पस के लिए वह आर्टिकल 11 के अंतर्गत कोई लॉ पास करे। ऐसे किसी लॉ के ना होने पर संसद किसी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के आधार पे जो नागरिकता दी गई है वो उससे हमें वंचित किया जा सकता है, उसके आधार पे जो नागरिक बने हैं उन्हें नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो उन्हें वंचित कर सके, पर पार्लियामेंट को इसके लिए आर्टिकल 11 के अंडर लॉ बनाना होगा। यानी कि पार्लियामेंट को यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड एब्सोल्यूट पावर दी गई है। वहीं अगर आर्टिकल 11 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज को रेगुलेट कर सकता है और पार्ट 2 का कोई भी प्रोविजन, पार्ट 2 यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज से डील करता है, यहाँ पे कहा गया है कि और पार्ट 2 का कोई भी प्रोविजन पार्लियामेंट को ये करने से नहीं रोक सकता। यानी कि नथिंग इन द पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट टू रेगुलेट लॉज ऑन सिटीजनशिप। और इसी पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ की नागरिकता पाने के 5 तरीके इंट्रोड्यूस किए गए। पहला तरीका है बाय बर्थ, दूसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, तीसरा है बाय डिसेंट और चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जन्म द्वारा नागरिकता, अवजनन द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता और राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। यहाँ पे राज्य क्षेत्र में मिल जाने का अर्थ है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया तो उस टेरिटरी में रह रहे लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के नागरिक बन जाएंगे। वहीं इस एक्ट में सिटीजनशिप के टर्मिनेशन के 3 तरीके बताए गए हैं। रिनन्सिएशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि अपनी इच्छा से नागरिकता को त्याग देना। दूसरा है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से हासिल कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कि कोई पर्सन एक्स है, उसने किसी भी दूसरे देश की जो नागरिकता है उसे एक्वायर कर लिया इंडियन गवर्नमेंट को बिना बताए हुए, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरा तरीका है डिप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से वंचित किया जाना, और किसी को भी नागरिकता से वंचित केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये सारे आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।